विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयोग सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने गोरखपुर बढ़लगंज सड़क की खराब स्थिति पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि उसे अविलंब ठीक कराया जाए। यदि कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए प्रमुखता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए, चिकित्सक स्वयं केंद्रों पर मौजूद रहें, कोई भी चिकित्सालय चिकित्सक विहीन नहीं होने चाहिए, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ सफाई और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो तथा उपलब्ध दवाओं की सूची अस्पताल में टंगी होनी चाहिए, एम्बुलेंस रिस्पांस समय से अपनी सेवाएं उपलब्ध कराए, आशा एवं जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के भुगतान समय से कर दिए जाएँ। मंडलायुक्त ने NRLM के तहत समूहों का गठन, उनका प्रशिक्षण कराने के साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य कराए जाएं। नौसर से कालेसर तक बोकटा बरवार बंधे के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव तैयार करने के साथ ही उस पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत संचालित परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैंडपंपों को चबूतरा ऊंचा करने, जल की गुणवत्ता की जांच करने के साथ ही रिबोर योग्य हैंडपंपों को रिबोर कराने और उसकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयन पांडियन, देवरिया के अमित किशोर, महाराजगंज के अमरनाथ उपाध्याय, कुशीनगर के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर अनुज सिंह सहित मंडल के अन्य जनपदों के CDO तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।